रायसेन जिले के वार्ड क्रमांक 1 स्थित श्री कृष्ण गौशाला में जिला स्तरीय गोवर्धन पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम के शुरू में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा गायों की पूजा अर्चना कर गुड़ और केले खिलाए गए। इसके बाद गोवर्धन पूजा किया गया। वहीं इस अवसर पर विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि हमारी संस्कृति में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की परंपरा रही है। यह पर्व भारतीय जनमानस को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना को प्रदर्शित करता है। इसके आगे विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश संरक्षण के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। रायसेन से नरेंद्र राय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कि सिर्फ अकेले रायसेन में नहीं, मध्य प्रदेश के कोने कोने में आज सरकार के माध्यम से गोवर्धन पूजा की जा रही है। भगवान गोवर्धन की कृपा सब पर बनी रहे और मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा जो निर्णय लिया है। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग जिस तरीके से पूजा करते हैं और गौ माता हमारी जो कि हमारे लिए दूध भी देती है, सब्जी देती है, उसकी पूजा हम लोग उनकी पूजा हम लोग करते हैं और आज गोवर्धन पूजा पर आप सभी को और सभी देशवासियों प्रदेशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। रायसेन में भी जिला स्तर का कार्यक्रम श्री कृष्ण गौशाला जो रायसेन में उसमें मनाई गई, माननीय विधायक प्रभुराम चौधरी जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और यहाँ सभी जनप्रतिनिधि और बहुत बड़ी संख्या में आमजन भी उपस्थित थी और विधिवत यहाँ पूजा की गई और सभी ने संकल्प लिया है कि हम गौवंश की रक्षा करेंगे। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी तरह की ऐसी घटना या दुर्घटना नहीं हो, जो आगे चल रही है।